नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीए से रिलेटेड। वीए में जो इंडियन एम्बेसी है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। अगर आप लोग फंस जाते हैं कहीं पर भी किसी भी मैटर में, अगर आपको इंडिया में आना होता है, जी हाँ मैं बात करूंगा इंडिया की। बता दूं 12 महिलाएं दुबई में फंस चुकी थी, जिसमें आर्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी डाला था। ये टोटल महिलाओं को रेस्क्यू किया गया अलग अलग, पहले 5 बताई गई, फिर 3 और निकली, फिर 5 अलग से निकली। इस तरह से डिटेल से बात करेंगे। इंडियन एम्बेसी ने क्या बोला है, क्या उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि आप लोग इन झूठे एजेंटों के चक्कर में आने से बच सके और फंसने से बच सकेंगे। हालांकि इन 12 महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको पूरी सुविधाएं दी गई है एम्बेसी की तरफ से। कुछ सामाजिक संगठन उनके सहयोग से उनको एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया भी था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन, नई नई अपडेट आपको रोज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है अजमान में एक खबर चली थी कि भाई 12 महिलाएं यहाँ पे फंस चुकी हैं, जिसके अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संस्थाओं द्वारा 12 महिलाओं को वहां से निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया था। जी हाँ, इसका यही था, ये 12 महिलाएं अलग अलग लगभग ज्यादातर हैदराबादी थी, हैदराबाद से मैंने बताया था ये वहां पे फंस चुकी थी। इनका जो एक सामाजिक संस्था इधर इंडिया से है, विदेश मंत्रालय या एम्बेसी में गुहार लगाई गई थी इन महिलाओं को बचाने के लिए। इसका रीजन ये था, विजी बिचौली एजेंटों के द्वारा वहां पे गई थी और फंस गई थी, उनको पता था नहीं। जब जांच की गई तो शुरू में लगा एजेंट पूरी बात कहां बताते हैं, वो तो जितना कम होगा उतने बताएंगे। पहले 7 बताया उनको, एक बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया, वो वहां पे बंद करके रखी गई थी, फिर 3 को अलग से निकाला गया था, फिर इस तरह से 2-3 को अलग से कर निकाला। टोटल अगर देखा जाए तो 12 महिलाएं कम से कम उनको रेस्क्यू किया गया है। जी हाँ, अजमान में इंडियन एसोसिएशन के महासचिव रूप सिद्धू ने इस मामले में बताया कि कर्नाटक को छोड़कर सभी महिलाएं हैदराबाद दक्षिण की भारत, दक्षिण भारत, उम्र जिनकी बात करें लगभग 21 साल से 45 साल के बीच में सबकी बताई गई, को झूठी नौकरियों का वादा किया। किसी को मॉल में जॉब दे देंगे, किसी को ऑफिस में दे देंगे, अच्छी सैलरी 30-35-40 हजार रुपए, इस तरह से सैलरी सबको बताई गई थी। उनको जो बताया वो मिला नहीं उनको वहां पे। फिर आपको पता है उनको अलग अलग तरीके से जॉब पे रखना, जबरदस्ती करना, पासपोर्ट छीन लेना। कुछ महिलाएं तो वहां पे बीमार भी हो गई थी, जिन्होंने जैसे उनको रेस्क्यू किया तो शिकायत की कि हम वहां पे बीमार भी हो गए, खाने की व्यवस्था तक नहीं थी, सैलरी वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए यूए एम्बेसी ने भी बोला था कि भाई इंडियन जो वर्कर आते हैं उनको ई माइग्रेंट किया जाता है, यानी इमिग्रेशन से रिलेटेड, इमिग्रेशन होके जो लोग विदेश जाते हैं उनका पूरा लेखा जोखा रिकॉर्ड में होता है। वो एजेंट भेजने वाला कौन है, कि कहां से उनका वीजा लगा है, आगे कहां जाने वाले हैं, इनकी क्या सैलरी वगैरह अग्रीमेंट वगैरह सब होके जाता है, उसमें फंसने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन इन महिलाएं को नॉलेज नहीं था, इनको क्या भाई किसी को नॉलेज नहीं है। कोई भी कंट्री आप चले जाओ, आपको लेबर लॉ का पता ही नहीं है तो फिर फंसोगे, जैसा एजेंट बोल देता है मान लेते हैं। इन चक्कर में इनको फंसना पड़ गया। तो भाई देखिए, जब भी आप विदेश जाते हैं किसी एजेंट के थ्रू, खास तौर से विजिट वीजा में, तो 100 बार सोचें फिर एक बार जाने का फैसला लें, वरना महिलाओं की जगह आप भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ अपने घर में आप 30 मार्का बन सकते हो, विदेश में फंस गए तो प्रॉब्लम है। तो बस ये छोटी सी अपडेट देनी थी, जहाँ की जैसा कि इंडियन एम्बेसी ने भी बताया कि भाई माइग्रेट करवा के आए, इमिग्रेशन के थ्रू आए, इमिग्रेशन करवा के यानी वर्क परमिट वीजा में, सीधी भाषा में बात करें तो बस। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।